पे वाला ले ली हूँ कि थोड़ा सा और बाल को ना शाइनिंग होगा और ब्लैक होगा, तो इसलिए तो ये अभी लगाने से पहले इसको अच्छे से मिला दूँ। इसको ऐसे करके कर लीजिए और इसके ऊपर भी अभी लगा देंगे मेहंदी चारों ओर से। और नहीं होता है ना। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? आज के ब्लॉग में आप सबका स्वागत है। और आज देखिए, आज मैं स्पेशल ब्लॉग लेके आई हूँ अपने बालों के लिए कि मैं अपने बालों का कैसे ख्याल रखती हूँ और मैं अपने बालों में कौन सा मेहंदी लगाती हूँ। तो आज पहली वीडियो है मेरी हेयर के लिए कि मैं अपना हेयर को हेयर का कैसे केयर करती हूँ। तो आप लोग आई होप अच्छा लगेगा, तो प्लीज आप लोग भी ट्राई कीजिएगा। तो जल्दी से टाइम वेस्ट नहीं करते हैं और दिखाते हैं कि मैं क्या करती हूँ अपने बालों के साथ। तो ये देखिए, ये हर्बल पतंजलि का केसर कांति हर्बल मेहंदी है और ये काले बाल काले करने के लिए और हेयर फॉल के लिए, यदि बाल आपको झड़ते हैं तो उसमें आप यूज कर सकते हैं। मैं यही लगाती हूँ क्योंकि मेरे बाल भी पहले बहुत लंबे थे लेकिन अब तो बहुत छोटे हो गए हैं और हल्के भी हो गए हैं, लेकिन अब खैर वो तो एज का भी थोड़ा फैक्टर है। और आजकल तो बाल झड़ने का कोई एज से भी लेना देना नहीं है, वैसे कम उम्र में बाल भी सफ़ेद हो जाते हैं और बाल भी झड़ने लगते हैं, लेकिन इसको लगाने से थोड़े बाल स्मूथ तो होते हैं। मैं इसी को लगाती हूँ तो इसीलिए मैं आप लोग के साथ शेयर कर रही हूँ। ये पतंजलि का है और ये कोई प्रमोशन वीडियो नहीं है, मैं लगाती हूँ इसलिए मैं आपको आपके साथ शेयर कर रही हूँ। और उसमें इसमें जो है हीना है, आंवला, मेथी, सिकाकाई, ब्रिंगराज, नीम, कत्था और क्या है साई कलौंजी, अच्छा कलौंजी है एंड नील। तो इतनी सारी आइटम है और ये 100 ग्राम का पैकेट है और 35 रुपये में आता है। तो मुझे कम से कम ये जो है दो बार हो जाता है मैं मेरे बालों में, क्योंकि मेरे बाल उतने लंबे नहीं, जिसके लंबे बाल हैं तो शायद एक बार ही हो। तो इसमें लिखा हुआ है कि पेस्ट बनाने के लिए पर्याप्त पानी मिलाएं और बालों पर लगाकर इसे सूखने तक छोड़ दें और शैम्पू और पानी के साथ धो लें। तो मैं शैम्पू तो नहीं करती हूँ, मैं पानी के साथ ही धोती हूँ। और ये देखिए, मैं उस मेहंदी को इसमें रात में भिंगो के और ये कढ़ाई में आयरन की कढ़ाई में रख दी थी। और इसमें मैं क्या होता है ना, मेहंदी लगाने से थोड़ा सा ड्राई हो जाता है बाल, जो ये हीना मेहंदी है, तो मैं इसमें एक चम्मच सरसों का तेल मिला ली थी रात में ही। वो नहीं मैं सूट कर पाई क्योंकि जल्दीबाजी में थी तो ऐसे ही लेट हो रहा था तो डाल दी हूँ। तो आप चाहें तो एक चम्मच सरसों का तेल, कोई भी नारियल का तेल भी डाल सकते हैं जो बाल को थोड़ा सा सॉफ्ट रखेगा। और ये देखिए, अब रात भर इसको भिंगा के रख दी हूँ, कितना काला हो गया है। और अब मैं इसमें क्या करूँगी, क्योंकि इसमें सब कुछ तो मिला ही है तो ज़्यादा कुछ नहीं मिलाती हूँ मैं, बस ये जो है एक कॉफ़ी का पाउच 2 रुपये वाला ले ली हूँ कि थोड़ा सा और बाल को ना शाइनिंग होगा और ब्लैक होगा, तो इसलिए तो ये अभी लगाने से पहले इसको अच्छे से मिला दूँगी। और आपको यदि पानी थोड़ा सा कम लगे तो थोड़ा सा पानी भी मिला सकते हैं। तो ये पतंजलि का मुझे अच्छा लगा प्रोडक्ट, तो मैं कहीं आप लोग के साथ भी शेयर करूं। अब इसको अच्छे से ये करके अब बस इसको आप बालों में लगाएंगे। तो बाल को अच्छे से कंघी कर लीजिए और बाल धुले हुए रहने चाहिए, तेल नहीं लगा रहना चाहिए, चिपचिपा हुआ नहीं रहना चाहिए। के बाद ये जो है ना दिख रहा है ना आपको, पता नहीं मेरे तो बाल वाल का मैं फर्स्ट टाइम कर रही हूँ, कैसा कैमरा में आ रहा है नहीं आ रहा पता नहीं। इसका ब्रश कहाँ रख के आई हूँ मैं, एक मिनट ब्रश। तो सबसे पहले तो मेरे पास ये पुराना टी शर्ट है, वाइट है लेकिन पुराना है, तो मैं इस पर लगा सकती हूँ मेहंदी, लेकिन मेहंदी लगाने में थोड़ा सा पुराना कपड़ा ही, जो आप गंदा भी हो तो कोई दिक्कत नहीं है, कलर वगैरह लगे तो ऐसे कपड़े आप डाला करें, ठीक है। तो मेरा तो ये पुराना ही है तो कोई दिक्कत नहीं है, गिर ही जाएगा। तो बस गर्मी में होता है ना कि पतले पतले कपड़े और जो झड़े हुए हैं वो अच्छा मुलायम कपड़े तो अच्छे लगते हैं बॉडी को। ये देखिए, ऐसे थोड़ा सा मेहंदी लेते हैं ऐसे ब्रश में ये, और इतना ही कि टपके नहीं,
और इसको चारों बगल ऐसे करके, और मैं ग्लव्स वगैरह नहीं लगाती हूँ, है भी नहीं, अभी खराब फट गया है तो ला नहीं पाई, तो मैं हाथ से ही कर रही हूँ। कोई बात नहीं, हाथ कर ली कलर नहीं तो होगा। तो इसको ऐसे करके थोड़ा सा बालों में पूरे, जितना बढ़िया से लगेगा ना पूरे बालों में, उतना अच्छा रिजल्ट आता है। और इसको ऐसे करके, जैसे जूड़ा नहीं होता छोटा सा, इसको ऐसे करके कर लीजिए। और इसके ऊपर भी अभी लगा देंगे मेहंदी चारों बगल से। और नहीं होता है ना ज्यादा, यदि मान लीजिए ऐसा जूड़ा नहीं अटकता है तो छोटा सा पिन लगा लीजिए, मैंने कि जो क्लचर लगा लीजिए तो अटक जाएगा। ये करके ऐसे इसके चारों बगल, अब ये साइड साइड से इतना इतना बाल उठाते हैं पार्टीशन करके। और इसको ऐसे थोड़ा नीचे से ऐसे जिसको घुमा घुमा के लगा दीजिए। देखिए मेहनत तो लगती है, हर चीज़ में मेहनत लगती है। आप कोई चीज़ अच्छा रिजल्ट पाना चाहते हैं, खाना बनाने से लेके कोई भी चीज़ करने से पहले, तो आप वो मेहनत तो लगेगा यदि कोई ऐसा चाहेंगे कि बहुत बढ़िया से हो जाए। तो ये देखिए ऐसे एक बार इधर से कर लेते हैं, एक बार इधर से कर लेते हैं। अब तो मेरे बहुत छोटे बाल हो गए हैं गिर गिर के, क्योंकि बहुत सारा काम रहता है मेरे पास, पहले भी रहता था बहुत सारा सारा कुछ जिम्मेवारी घर का बाहर का, तो भागदौड़ रहती थी। तो पता ही है जब भागदौड़ है तो टेंशन थोड़ी होती है, टेंशनों में बाल। और ऐसे भी दिल्ली का पानी बालों के लिए मेरे हिसाब से थोड़ा सा ठीक नहीं है। सब शिकायत करते हैं कि यहाँ पे बाल कहीं गांव से आते हैं कहीं से आते हैं तो झड़ ही जाते हैं। और हम लोग को तो अब 30 साल होने को आ रहा है रहते हुए, तो ऐसे ही कर करके ये देखिए पीछे पड़ता है और उसमें ना लग जाए, तो ऐसी तो मैं लगाती हूँ अभी। बाकी बाल लग गया है, अब थोड़े से बचे हुए हैं। एक तो मुझे हाथ में परेशानी है, टेनिस एल्बो है, करीब 8-9 महीने से परेशान हूँ मैं इसको लेके। सर्वाइकल है उसको लेके परेशान हूँ, लेकिन कोई बात नहीं, बॉडी है उसका, यदि उसमें कुछ दिक्कत है तो चलो, इसका मतलब थोड़ी कि काम जीना छोड़ देगा आदमी। तो आपको जो भी है देख रहे हैं अभी, मेरी फैमिली वाले तो जानते हैं, लेकिन उन्हें लगेगा ना कि देखो इसको परेशानी है, कहती है कितना पेन होता है तब भी अभी कैसे कर रही है। तो काम तो काम होता है ना, पेन हो रहा है तो बाकी काम होता है, तो ये काम भी होना चाहिए। और इस काम में मुझे आप लोग से बात करके, आप लोग के साथ शेयर करके मुझे खुशी मिलती है। तो उस वक्त पेन होता भी है तो कोई बात नहीं, और ये अच्छी बात है ना कि यदि मैं सब कुछ भूलना चाहती हूँ कि मेरे अंदर में तकलीफ भी है तो मैं भूलना चाहती हूँ, तो ये अच्छी बात होनी चाहिए, ना कि इस बात को लेके ये कि भाई देखो वीडियो बना रहे हो तो आपको तो वीडियो बनाने में तो नहीं दर्द हो रहा है, और ऐसे में दर्द होता है, लेकिन दर्द तो ऐसे में भी हो रहा है लेकिन करना है। जैसे हर काम करती हूँ ऐसे ये काम मेरे पसंद का है, मुझे अपना ब्लॉग बनाना, मुझे अपने व्यूअर से बात करना, ये देखिए जहां भी दिखे ना आपको। अब छूट रहा है बाकी बचा हुआ पूरा मेहंदी को लगा लेना है। एक तो मैं जो बिना थोड़ा सा प्रॉब्लम है मुझे बिना चश्मे के मुझे होता नहीं है मेरे से, तो चश्मे जो लगाते हैं ना उन्हें बहुत दिक्कत है। हर काम में थोड़ी दिक्कत होती है कि आपको पहन के ही करना पड़ता है। देखिए, और जो भी यदि मेहंदी आपके पास बच गया है खूब अच्छे से ऊपर से लगा लीजिए, क्योंकि धीरे धीरे ना सारा इसमें घुस जाएगा, मैंने बालों में हर बाल के अंदर आपको अच्छे से कोट हो जाएगा।
और ना भी झूरा बना ना, अब जैसे कि थोड़ा बहुत ऐसे ही हो गया है तो कोई बात नहीं। अब पीछे से दिखाऊं मैं आपको घूम के, ये देखिए तो जहाँ भी लग रहा है तो हाथ से भी आप ऐसे दिख रहा है, ऐसे ऐसे करके ऊपर से पूरा मेहंदी को इसको लगा दीजिए। और ये तो इतना चिपक जाएगा कि आप जब धोने जाओगे ना तो खुलेगा ही बहुत। इसको भी खोलने में धोने में भी इसकी भी हालत खराब हो जाती है। आराम आराम से खूब सारा पानी डाल के फिर वॉश कीजिए, क्योंकि जैसे जैसे सूखेगा ये टाइट होते जाएगा। तो चलिए अब इसको मैं, मेरा तो लग गया अच्छे से, और इसको मैं लगा के कम 3 घंटे रखूंगी और इस बीच में जो माँ के काम है वो निपटाती हूँ। एक्चुअली क्या है, मेहंदी लगा के कोई आ जाए ना तो बड़ा अजीब सा ही लगता है, तो अभी फिलहाल कोई आए नहीं, लेकिन मेड आएगी वो भी काम करेगी, उसके बाद ही उस काम हम करवा के फिर। ये देखिए लग गया है अच्छे से चारों बगल बढ़िया से, और ये पीछे दिख रहा है आपको, तो ऐसे करके पूरे अच्छे से लगा लीजिए। और इसको 3 घंटा कम से कम रखूंगी मैं, गर्मी का टाइम है, 2 घंटे में भी 2.5 घंटे में भी हो जाएगा, लेकिन मेरे पास अभी किचन में काम है, मेड आएगी तो काम करेगी, तो वो सब करने के बाद फिर जाके मैं वॉश करूंगी और फिर मैं वॉश करके दिखाती हूँ आपको कि कैसा लग रहा है, मैंने कि कैसा आया है उसका रिजल्ट। देखिए नहा के आ गई हूँ और बहुत अच्छे से बाल एकदम हो गया है कलर बाल में, और हम लोग का तो बहुत सारा मैंने तो आगे से सफ़ेद भी बाल मैंने ग्रे कलर का भी हो गया है, तो पूरा तो थोड़ा रेड रेड हो जाता है, तो इसको कोई बात नहीं, थोड़ा सा वो डाई वाला हल्का हल्का कर लूँगी बाद में। अभी तो तेल लगा के और 1 दिन रखूँगी, दूसरे दिन फिर वॉश करूँगी, शैम्पू करूँगी, और उसके बाद फिर 2 दिन के बाद फिर वो ग्रे बाल को थोड़ा सा ब्लैक वाला कलर जो होता है उसको कर लूँगी। तो बहुत ही अच्छा लग रहा है और अच्छे से क्या है एकदम, टाइम कितना लगता है और इसमें सब कुछ मिला हुआ रहता है तो टाइम भी नहीं लगता है। घोलिए, रात में छोड़ दीजिए और सुबह सुबह आप लगा के सारे काम कर लीजिए, फिर उसके बाद स्नान कर लीजिए और अपने आप को पैम्पर कीजिए। और तो यही था, यही मैं इसी तरह का मेहंदी यूज करती हूँ, और मेरा मैं जैसे करती हूँ वैसे आप लोगों को पसंद आया है तो प्लीज़ ज़रूर एक बार ट्राई कीजिएगा, और मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मिलती हूँ जल्दी ही नेक्स्ट व्लॉग में। वीडियो देखने के लिए थैंक यू।